नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि राय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों के साथ, जहां आचार संहिता में एक बार फिर प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की टीम छत्तीसगढ़ लौट आई है। आचार संहिता में प्रत्याशियों की घोषणा के बाद राजनेता अपने अपने किले को बचाने की दौड़ में लगे हैं। इसी बीच ईडी ने सियासी पारा और भी गर्म कर दिया है। खबर है कि कोरबा जिले के वरिष्ठ भाजपा नेता गोपाल मोदी के घर ईडी की एक टीम ने शुक्रवार की सुबह दबिश दे दी है। जांच पड़ताल जारी है। गोपाल मोदी के घर पर रायपुर पासिंग की गाड़ियां खड़ी थी। सुरक्षा कर्मियों को भी वहां पर तैनात किया गया है। किसी को भी अंदर से बाहर या बाहर से अंदर आने की अनुमति नहीं दी गई है। गोपाल मोदी राइस मिल के मालिक हैं, उनकी एक सिनेमा टाकीज भी संचालित है। उनके भाई एक मॉल के मालिक हैं। जगदलपुर में सीएम भूपेश बघेल ने अमित शाह पर हमला बोल दिया है और कहा है कि अमित शाह और मोदी कहते हैं कि धान हम लोग खरीदते हैं, वो सफेद झूठ बोल रहे हैं। राज्य सरकार ने फैसला किया कि 20 क्विंटल धान खरीदने का केंद्र निर्णय है। साथ ही भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा के लोग पहले बस्तर के लोगों से दुश्मनी कर रहे थे, व्यवहार कर रहे थे, हमने ये भेदभाव दूर किया। इससे पहले भी भूपेश बघेल बोले कि हमारी सरकार ने यहाँ काफी काम किया है, सड़कें बनाई हैं, पुल बनाई हैं, लोगों के पीने की पानी की व्यवस्था की है। बस्तर में आज विकास की बयार कांग्रेस सरकार की बदौलत बह रही है। बिलासपुर में मंत्री कोटे से रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पर बेरोजगार युवक से 6 लाख रुपए की ठगी हो गई। आरोपी ने खुद को रेलवे का टीसी बता दिया। उसने अपनी भी नौकरी मंत्री कोटे से लगाने की बात कही। फिलहाल ठगी के शिकार युवक की शिकायत पर पुलिस ने 2 आरोपियों पर केस दर्ज कर लिया है। मामला सरकंडा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा। ऑनलाइन के माध्यम से रुपए कमाने के चक्कर में एक व्यवसायी को 17 लाख रुपए की चपत लग गई। अज्ञात शख्स द्वारा फोन कर उबर ईट्स वेबसाइट में ऑनलाइन आरक्षण कर हर महीने में 40 से 45 हजार रुपए कमाने का झांसा दिया गया। इससे जुड़ने के बाद कुछ दिनों तक उसके पास रुपए भी आए थे। इसके बाद पंजीयन के नाम पर कुल 17 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी की गई। ठगी का एहसास होने पर व्यवसायी ने मामले की रिपोर्ट गांधीनगर थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। छत्तीसगढ़ की खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।